निकालें। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग हेडिंग लगा लें अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। तो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिए। द अरेंजमेंट और फिलिंग अप ऑफ एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स दियर। बच्चों आप लोग जो है वो वक्त पर ज्वाइन करें प्लीज। देखिए मुझे बार बार डिस्टर्ब होना पड़ता है और लेक्चर खराब होता है सारा। दोबारा से सुनिए, द अरेंजमेंट और फिलिंग अप ऑफ एनर्जी लेवल्स दैट इज ऑर्बिट्स विद इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। बच्चों ऑर्बिट्स को शेल्स भी कहते हैं और ऑर्बिट को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। बच्चों इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बच्चों ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन हम अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, बल्कि बच्चों हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है और वो रूल ये है कि सब इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से डाले जाते हैं। बच्चों हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है जिसको हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है, इसीलिए बच्चों ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, यानी वो ऑर्बिट्स या वो लेवल जिनकी एनर्जी कांस्टेंट है। बच्चों सबसे न्यूक्लियस के जो ऑर्बिट सबसे करीब होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। बच्चों हमारे कोर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो शेल के लिहाज से है या ऑर्बिट के लिहाज से है, लेकिन बच्चों हमें सब शेल के लिहाज से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के जरिए ये चीज़ समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है जो डायग्राम बच्चों बनी हुई है आपके सामने इस ये एटम का स्ट्रक्चर है बच्चों, और आप देखेंगे इस डायग्राम में जो सेंट्रल पार्ट है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। बच्चों न्यूक्लियस के बाहर आप देखिए ये सर्कुलर ऑर्बिट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको शेल्स कहते हैं या ऑर्बिट्स कहते हैं। बच्चों जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे करीब है उसे कहते हैं के शेल, ये पहला ऑर्बिट है। बच्चों दूसरे ऑर्बिट को एल शेल कहते हैं, तीसरे को एम और चौथे शेल को एन कहते हैं। बच्चों ये ऑर्बिट्स के नाम हैं जो कि इंग्लिश के अल्फाबेट से शुरू होते हैं के से, और ये कैपिटल लेटर्स के अंदर हम इनको जाहिर करते हैं। अरे बच्चों आप चाहें तो ऑर्बिट्स को नंबर से भी जाहिर कर सकते हैं। जो पहला शेल है उसे के कहते हैं, जो दूसरा है उसे एल, जो दूसरा है उसको टू, एल को टू, तीसरा शेल थ्री एंड चौथा शेल फोर, वन टू थ्री फोर। बच्चों ये मैंने चार शेल दिखाए हैं। बच्चों एक एटम में सात शेल तक हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है।
जी बेटा, एन के आगे भी शेल होगा, वो फिर एन के बाद क्या आएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू, समझा, समझ गए बात। लेकिन हमें सिर्फ चार शेल तक जहन में रखने हैं। बच्चों सबसे कम एनर्जी के की होती है, फिर एल की, फिर एम की और फिर एन की। बच्चों जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। सबसे कम एनर्जी जो है वो पहले शेल की होगी। बच्चों शेल को जाहिर करने के लिए हम एक नंबर इस्तेमाल करते हैं, उस नंबर को हम एन से जाहिर करते हैं। बच्चों एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो शेल को जाहिर करने के लिए हम एक नंबर इस्तेमाल करते हैं, यार बच्चों इस नंबर को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को जाहिर करता है। अरे बच्चों ये नंबर बोहर ने यूज किया, बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एन, और बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बच्चों अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है तो हम इसको के शेल कहते हैं, 2 होती है तो एल, 3 होती है तो एम, 4 होती है तो एन, 5 होती है तो ओ, 6 होती है तो पी, 7 होती है तो क्यू कहते हैं। ये शेल्स के बच्चों नंबर से ऊपर और नीचे उनके नाम हैं, दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं बच्चों। अब बात समझ रहे हैं, अपने पास नोट करते रहिए, ये सारी बातें ये नोट्स में मौजूद नहीं है मेरा। मैक्सिमम शेल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 7 शेल्स होते हैं। अब तक जो डिस्कवर हुए हैं वो 7 शेल्स हैं। देख रहे हैं आप जी, तो बच्चों पहले आप ये याद कर लें बहुत अच्छी तरीके से, तभी जो है वो बात बनेगी, मजा आएगा, समझ में आएगा। अभी आपको समझ में आएगा भाई, वरना याद नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। K L M N O P Q, अरे बच्चों हर शेल की एक कैपेसिटी होती है, हर शेल में एक मखसूस तादाद में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तादाद को कहते हैं मैक्सिमम शेल कैपेसिटी। मैक्सिमम शेल कैपेसिटी, मिसाल के तौर पर बच्चों के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ज्यादा से ज्यादा, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ओ में 50, पी में 72 और क्यू में 98 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। अरे बच्चों ये तादाद निकालने का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला बोहर ने पेश किया था। बच्चों ये फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। बच्चों इस तादाद के इस फार्मूले से आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जिस शेल में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो हम उसकी वैल्यू डालेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम शेल नंबर 1 में यानी के शेल में के शेल में
इलेक्ट्रॉन्स हम डालते हैं, के शेल का मतलब है एन की वैल्यू वन है, के का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन। अब मैं ये वैल्यू देखें डालता हूँ टू, अब एन की जगह मैंने वन डाल दिया, बच्चों वन का स्क्वायर करेंगे, बच्चों वन का स्क्वायर वन ही होता है, यानी वन का स्क्वायर का क्या मतलब है, वन मल्टीप्लाई वन, वन मल्टीप्लाई वन कितना होता है वन, और जब हम टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आएगा टू। तो के शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, P में 72 आ सकते हैं बेटा, लेकिन आपको चार तक याद रखना है बस, बात आ गई समझ में। इसी तरह बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा सब शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, अब वो आप सुन लीजिए। सब शेल बच्चों, शेल की सब डिवीजन को सब शेल कहते हैं, शेल की सब डिवीजन को सब शेल कहते हैं, सब शेल। सब शेल क्या है, सब डिवीजन ऑफ शेल, सब डिवीजन ऑफ शेल इज कॉल्ड सब शेल। बच्चों टोटल चार सब शेल्स होते हैं, टोटल हमारे पास सब शेल्स होते हैं चार, जिनको हम स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं, एस पी डी और एफ। बेटा चार सब शेल्स होते हैं एस पी डी एफ, एस में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में ज्यादा से ज्यादा सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में ज्यादा से ज्यादा दस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और एफ में ज्यादा से ज्यादा चौदह इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। स्टूडेंट सब शेल्स हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन बच्चों ये पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होगी। जी कॉमन चार होते हैं के एल एम एन, और ये कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, कुकैब कुबैब, सॉरी बहुत मुश्किल नाम है भाई आपका। जी बेटा दोबारा समझा देता हूँ, कैलकुलेशन देखिए, देखें अगर हम के शेल में इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो के शेल के लिए एन की जो वैल्यू है वो वन है, तो हम वन डालेंगे टू एन स्क्वायर वाले फार्मूले में, तो वन का स्क्वायर करेंगे, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आंसर आ जाएगा। तो के शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे हमें ये पता चला। तो बच्चों अब सवाल ये पैदा होता है कि किस शेल में कितने सब शेल होते हैं, तो बच्चों इसका जवाब सुनिए गौर से, बच्चों जो शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल होते हैं। जैसे के शेल जो है, के में एक ही सब शेल होता है, उसे कहते हैं वन एस, वन का मतलब है पहला शेल, एस का मतलब है पहला सब शेल। इसी तरह बच्चों एल के अंदर दो सब शेल होते हैं, ये शेल नंबर टू है ना, तो इसमें दो सब शेल होंगे, पहला सब शेल एस होता है, दूसरा पी होता है, सो 2s और 2p सब शेल्स हो गए एल के। इसी तरह बच्चों m जो है तीसरा शेल, m इसमें तीन सब शेल्स होते हैं, बच्चों पहला शेल s होता है, दूसरा p और तीसरा d, क्योंकि ये तीसरा का सब शेल्स है तो हम सब शेल के साथ नंबर थ्री लिखेंगे। इसी तरह बच्चों जो चौथा शेल होता है एन,
क्योंकि ये 14 शेल है तो इसमें चार सब शेल्स होते हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। बच्चों चार से ज्यादा सब शेल नहीं होते, तो जो पांचवा शेल है उसमें भी चार ही सब शेल्स होंगे, लेकिन उनको हम कहेंगे 5s, 5p, 5d, 5f। लेकिन बच्चों वो हम करेंगे नहीं क्योंकि वो हमारी इतनी डिटेल्स हमारे कोर्स में नहीं है। फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको सातों शेल्स के सब शेल्स पढ़ाएंगे। तो बच्चों समझ में आ रही है बात? बेटा बात समझ में आ रही है? हेलो बच्चों जल्दी से मुझे बताइए, सबको समझ आ रहा है बेटा? बच्चों आप गौर से सुनिए, देखिए बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के में जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के में जाता है, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। इस तरह बच्चों शेल की जो है वो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए एक खास ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ता है, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ फिलिंग। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ फिलिंग। तो बच्चों यहां मैंने आपके लिए ऑर्डर ऑफ फिलिंग लिखा हुआ। बच्चों ऑर्डर ऑफ फिलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, शेल वाइज नीचे और ऊपर सब शेल वाइज। बच्चों नीचे वाला आपके कोर्स में है, नीचे वाला आपके कोर्स में, ये वाला, ये आपके कोर्स में। तो आप देखें सबसे पहले के में इलेक्ट्रॉन जाता है, के फिल होने के बाद एल में, एल फिल होने के बाद एम में। लेकिन बच्चों M में हम ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन तक डालेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद हम इसको खाली छोड़ देंगे। हालांकि M में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हम 8 के बाद इसे खाली छोड़ देंगे। फिर N में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, N खोलेंगे, N में बच्चों सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे और इसको भी खाली छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद हम दोबारा M को फिल करेंगे, M में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 हमने डाल दिए हैं, तो हमारे पास कितने बच गए? 10। तो आखिर में M के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हमें डालने पड़े। बच्चों ये ऑर्डर कहलाता है सब शेल वाइज ऑर्डर ऑफ फिलिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर ऑफ फिलिंग। तो बच्चों इस ऑर्डर को याद कर लें, K, L, M, M में 8, N 2 और M में 10। तो पूरा बनेगा KLMNM। इसको बच्चों सब शेल के लिहाज से देखें तो ऊपर जो ऑर्डर है वो सब शेल के लिहाज से है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हम ये भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें अगले चैप्टर में ये चाहिए। बच्चों K का मतलब होता है 1s, L का मतलब होता है 2s और 2p, M का मतलब होता है 3s, 3p और 3d। लेकिन बच्चों 3D हम यहाँ फिल नहीं करेंगे, 3D बाद में फिल करेंगे और N ओपन करेंगे। बच्चों किसी भी शेल का पहला सब शेल S होता है, 4S, चौथा शेल और उसका पहला सब शेल 4S, 3P के बाद 4S फिल करेंगे और 4S के बाद 3D फिल करेंगे। इस तरह बच्चों जब हम ये इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग इसमें करेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो जाएगी। बच्चों ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग याद करें जल्दी से, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ये सब शेल के लिहाज से है। अब बच्चों चंद बातें मैं आपको और बताऊंगा, वो आप जरा इस डायग्राम में देखें और सुने। यारे बच्चों ये डायग्राम में सबसे ज्यादा एनर्जी इस लाल वाले शेल की है। बच्चों वो ऑर्बिट जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उसे कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल को आउटर शेल भी कहते हैं, आउटर या आउटर मोस्ट शेल। वो शेल जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है वो आउटर मोस्ट शेल कहलाता है। बच्चों आउटर मोस्ट शेल हमेशा इनकम्प्लीट होता है, आउटर मोस्ट शेल हमेशा इनकम्प्लीट होता है। बच्चों वो
कोई भी शेल उस वक्त कंप्लीट होता है जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। बच्चों आउटर मोस्ट शेल में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के नहीं होते सिवाय नोबल गैसेस के। प्यारे बच्चों वो शेल जो आउटर मोस्ट शेल से पहले होता है, वो शेल जो आउटर मोस्ट शेल से पहले होता है, देखिए वो ये वाला है काला वाला शेल। प्यारे बच्चों इसको कहते हैं पिनल्टीमेट शेल। बच्चों ये आउटर मोस्ट शेल से पहले है, इसको सेकंड लास्ट शेल आप कह सकते हैं, लेकिन इसका असल नाम है पिनल्टीमेट शेल। बच्चों ये जो पिनल्टीमेट शेल होता है ये हमेशा कंप्लीट होता है। बच्चों कंप्लीट का मतलब ये है कि इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि बच्चों मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि वैलेंस शेल हमेशा इनकम्प्लीट होता है, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये दो बातें बच्चों ज़हन में रखिएगा, ये चैप्टर नंबर 6 में हमारे काम आएगी। अब आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा, पहले आप मुझे बताइए कोई क्वेश्चन आपको करना है तो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। फिर अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊं। क्या कह रहे हो हमजा, समझ नहीं आई? कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं मतलब? जी बेटा आपको सिर्फ 4 शेल ध्यान में रखने हैं, K11 कितनी दफा पूछोगे? 4 शेल आपको ध्यान में रखने हैं, K-L-M-N बस। जो इनकम्प्लीट होता है उसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 1 होगा, 1 से 7 तक होंगे, लेकिन 8 नहीं होंगे। अगर 8 आ गए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल मुकम्मल हो जाएगा। वैलेंस शेल दुनिया में सिर्फ नोबल गैसेस का मुकम्मल है और वो टोटल 6 एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। जी जनाब और कोई क्वेश्चन तो फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करूंगा। ओके जी, सो वी स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा रहा हूं, तवज्जो के साथ आप लोग देखिए। तो हेडिंग अपने पास लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन configuration of first 20 elements, बच्चों एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको करवा रहा हूँ। बच्चों फर्स्ट एटॉमिक नंबर आपको मालूम है हाइड्रोजन का होता है।
एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, आपको मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का मतलब ये है जेड इसका 1 है, जेड 1 का मतलब ये है कि इसके पास एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन, हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दी है हाइड्रोजन की। एक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से दिखाएंगे प्यारे बच्चों, जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में जाएगा, हम सबसे पहले के लिखेंगे और के ऊपर इस तरीके से 1 लिख देंगे बच्चों। या बच्चों दूसरा तरीका ये है कि हम के लिखेंगे और इक्वल्स टू डालकर उसके आगे 2 लिख देंगे, सॉरी उसके आगे 1 लिख देंगे, के इज इक्वल टू 1, यानी के में 1 इलेक्ट्रॉन है। यार बहुत देर देर से आ रहे हैं आप लोग भाई, लेकिन बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये शेल वाइज है। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है और वही उसका वैलेंस शेल है। बच्चों वैलेंस शेल जब भी मैं लिखूंगा उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा बच्चों, ताकि आपको याद रहे। बच्चों वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लेकिन आपको मैंने बताया था कि सब शेल वाइज भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में बच्चों जाएगा, k का मतलब होता है 1s, और 1s के ऊपर बच्चों 1 हम दिखा देंगे, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन है 1s में। इसको रीड करेंगे 1s1, ये बच्चों वैलेंस शेल है। ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई K1 या फिर 1s1। 1s1 वाली इसी कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन मैंने आपको बताया कि आगे चैप्टर 5 और 6 बिल्कुल समझ नहीं आएंगे अगर आपने ये नहीं करी तो। बात समझ में आ गई बेटा? माइक पे बोले आप जो बात आपको बोलनी है, माइक खुला हुआ आपका बेटा, ऑडियो खुली हुई है। यस स्टूडेंट्स, अब आप मुझको लिख के दिखाएं हीलियम की, हीलियम HE एटॉमिक नंबर 2, आप लोग लिख के दिखाएं मुझे अब चैट बॉक्स में। भाई क्या हो गया, आप तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं यार। हेलो, आवाज आ रही है? शाबाश शाबाश शाबाश, और दूसरे तरीके से भी लिख के दिखाओ, दूसरे तरीके से भी लिख के दिखाओ बेटा। और देखो बच्चों अब मैं आपको हीलियम की लिख के दिखाता हूं, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, जेड इक्वल्स टू 2, यानी हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन के में जाएंगे, के में ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, के 2। और बच्चों या तो फिर इस तरीके से लिख लो के 2, और बच्चों तीसरा तरीका होगा 1s2। बच्चों s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हीलियम के पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बड़े मजे की बात देखो कि के में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हीलियम जो है उसका शेल मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। जिस एटम का शेल कंप्लीट हो जाए वो नोबल गैस होगी, तो हीलियम इज अ नोबल गैस। अब बच्चों एटॉमिक नंबर 3 का आपको लिख के दिखाता हूँ, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, जेड इक्वल्स टू 3, मतलब एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों प्रोटॉन भी 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन डालने, बच्चों ये अब समझने वाली है। सबसे पहले बच्चों हमने के लिखा, के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते ना, के में ज्यादा से ज्यादा 2 आते। फिर बच्चों कॉमा लगाएंगे और फिर एल लिखेंगे,
अब बच्चों ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचे, 3 - 2 - 1, तो बच्चों जो रिमेनिंग बचा वो हमने एल में डाल दिया, तो ये बच्चों वैलेंस शेल हो गया एल, और एल में एक इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास 1 है। बच्चों सब शेल के लिहाज से क्या बनेगी, 1s2 1s2, फिर बच्चों एस में दो से ज्यादा नहीं आ सकते, कॉमा लगाएंगे और फिर बच्चों 2s लिखेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन बच गए वो हम आखिर में 2s में डाल देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 - 2 - 1 बचा वो s में आ गया बच्चों, तो s बच्चों आउटर शेल हो गया, वैलेंस शेल हो गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास। अब बच्चों आप हमें लिख के दिखाएं एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है, बेरिलियम का, ये आप लिख के दिखाएं जल्दी से चैट बॉक्स में, लिख के दिखाएं बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसके बाद है बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10 बच्चों। जल्दी लिख के दिखाइए शाबाश। शाबाश हमजा, शाबाश हमजा, शाबाश, बहुत अच्छे रीवा मुइन, जबरदस्त, बहुत उम्दा सकीना, बहुत आला तहा, शाबाश। तहा गलत हो गया, तहा गलत कर दिया आपने बेटा, 2s3 थोड़ी हो सकता है, एस पे दो से ज्यादा नहीं आते, क्या कर रहे हो यार। ये क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो बेटा, इतना थोड़ी करते हैं जितना आप कर रहे हो, ये कोई खुद से लिखो, ये कॉपी पेस्ट मत करो। अब एटॉमिक नंबर 4 की देखो बेटा, K2 और बच्चों L में कितने आएंगे, 4 - 2 - 2, अरे बच्चों ये वैलेंस शेल हो गया। अब बच्चों सब शेल के लिहाज से क्या बनेगी, 1s2 और 2s2, ये वैलेंस शेल हो गया बच्चों। अब यहां से बड़ा मजे का आएगा, बोरोन 5, फाइव इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसके पास, सबसे पहले K खोलेंगे, K ओपन करेंगे, K में दो इलेक्ट्रॉन डाले, अब L में जितने बच गए वो डालेंगे, L में कितने बचे, 5 - 2 - 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन L में आ गए, ये वैलेंस शेल है बच्चों, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास। तो बच्चों सब शेल के लिहाज से क्या बनेगी, 1s2 2s2, बच्चों S में दो से ज्यादा नहीं आ सकते, तो अब जब 2s फिल हो जाएगा तो फिर हम 2s के बाद 2p ओपन करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो 2p में डाल देंगे, ये पूरा वैलेंस शेल है बच्चों। अब आप मुझे करके दिखाएं जल्दी से कार्बन की, शाबाश बेटा शाबाश, जल्दी से लिख के दिखाओ कार्बन की, लिख के दिखाओ। शाबाश शरीफा मोइन, सब शेल के लिहाज से लिख के दिखाओ। तो कार्बन की क्या बनी, कार्बन का जेड है जी,
अपन का जेड एच सिक्स, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। सबसे पहले के में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, के में दो इलेक्ट्रॉन बच्चों जा सकते हैं, फिर एल में चार आएंगे, सब शेल के लिहाज से बनेगी क्या, सब शेल के लिहाज से क्या बनेगी, वन एस टू, टू एस टू एंड टू पी टू, टू पी टू, टोटल चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जनाब, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके आउटर शेल में या वैलेंस शेल में बच्चों। अब नाइट्रोजन की लिख के दिखाओ जल्दी से, सेवन, फिर ऑक्सीजन टेन तक लिख के दिखाओ बेटा मुझे जल्दी से। टेन तक लिख के दिखाओ, आपको पता है L में ज्यादा से ज्यादा आठ तक आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आप K में दो डालिए और L में डालते रहिए जब तक आठ ना हो जाए, इस तरह बच्चों K के अंदर फिलिंग चलती रहेगी जब तक एटॉमिक नंबर 30 जो है, जब तक एटॉमिक नंबर 10 नहीं आ जाता। तो बच्चों अब ये देखिएगा, L में आ गए 5, L में आ गए 6, L में आ गए 7 और नियॉन देखिए उसमें L में आ गए 8, और आपको पता है अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो नोबल गैस होती है, तो नियॉन इज अ नोबल गैस, कंप्लीट हो गया इसका आउटर शेल नियॉन का। तो सब शेल के लिहाज से बच्चों क्या बनेगी, सब शेल के लिहाज से भी देख लीजिए, वन एस टू, 2s2 और बच्चों 2p के अंदर हम एक एक इलेक्ट्रॉन डालते रहेंगे जब तक के 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, p में ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p4, तो बच्चों डालते रहेंगे जब तक के 6 नहीं हो जाते, 6 होंगे जब नियॉन होगा, जब नियॉन आएगी, जब एटॉमिक नंबर 10 आएगा तो p में 6 हो जाएगी। और ये देखें ये वैलेंस शेल इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 8 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के होते हैं, फेज दाएं वाला मुकम्मल हो गया, ये नोबल गैस हो गई। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम इज अप, टाइम खत्म हो गया जी, क्लास टाइम इज ओवर। कार्बन में वैलेंस शेल है ना बेटा L, कार्बन में L है ना बेटा वैलेंस शेल, ये दा सब में L है, ये L आ रहा है आपका। जी स्टूडेंट्स तो कैसी रही आज की क्लास, आपको समझ में आ गया बेटा, इस लेक्चर को बार बार देखिएगा जी बेटा, आज की क्लास कैसी रही, अलीबा मोइन स्कूल में क्या ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।